कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अति पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले देश में ओबीसी आरक्षण को लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जाति के वोटरों को एकजुट किया था। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांव से आई हैं, जहां उनके जन्म शताब्दी कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है कल रात में हुआ। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर में मौजूद थे तो दूसरी तरफ पटना में आरजेडी कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। आज के दिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी साथ है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है ताकि क्रेडिट लेने में कोई कमी ना रह जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। सीधे तौर पर माना जाए कि कर्पूरी जी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, उनके वैचारिक गुरु थे कर्पूरी जी, नीतीश जी और स्वयं डिप्टी सीएम साहब ने, आप लोगों को याद होगा, दो ढाई बरस प्रधानमंत्री जी के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखी। बहुत कम लोग जानते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच 90 के दशक में दुश्मनी का जो बीज पड़ा था उसके केंद्र में कर्पूरी ठाकुर ही थे। अरुण सिन्हा अपनी किताब नीतीश और उभरता बिहार में लिखते हैं कि साल 1992 में लालू यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मन बनाया, मगर नीतीश कुमार को लगा कि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है इसको दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में खटास की शुरुआत हुई जो फिर आगे बढ़ती हुई चली गई। हालांकि नीतीश कुमार खुद को कर्पूरी की सियासत का सबसे बड़ा वारिस मानते हैं और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत को नीतीश ने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाने का काम किया है। साल 2005 में नीतीश कुमार विधानसभा आए थे और सीएम बने थे। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में अपना एक वोट बैंक तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी सियासत को पूरी तरह अति पिछड़ा वोट बैंक पर फोकस कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश बिहार में बेहद मजबूत हो गए। कैसे, उसे समझने के लिए आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और इनका वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 35%, जबकि एनडीए यानी जेडीयू बीजेपी महागठबंधन को 25% अति पिछड़ा वोट मिला था। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री के साथ ही तस्वीर बदल गई। 2005 में आरजेडी गठबंधन को 22% और एनडीए गठबंधन को 48% अति पिछड़ा वोट मिला था, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 13% और एनडीए गठबंधन को 55% अति पिछड़ा वोट मिला। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। साल 2007 में बिहार सरकार ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। उस वक्त बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। इसके बाद नीतीश ने 2014, 2018 और 2021 में भी भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत मिलना चाहिए हम लोगों को, ये लगता है। अब लोहिया जी को तो दिया ही नहीं, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन कर्पूरी जी के बारे में हाँ, तो मांग करने में क्या दिक्कत है, बहुत लोगों को मिला है, तो अटल जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो अति पिछड़ों के नेता बने और केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाज रही है। वो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे,
इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। चलिए अब आपको कर्पूरी ठाकुर के कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। बिहार की सत्ता में रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण लागू किया था। सभी विभागों में हिंदी को जरूरी बताया था। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। 10वीं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाया था। 9000 इंजीनियर और डॉक्टर को नौकरी देने का काम किया था। ये हमेशा माना गया कि जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं वो एक तरीके से इन अगड़ी जातियों के साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल सकते। ऐसे में जो कर्पूरी ठाकुर ने उनको जो पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया।